चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 800 नई बसें। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। दरअसल रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें शामिल होंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी दी है, इस साल 400 नई बसें बेड़े में शामिल होंगी। 400 नई बसें अगले साल बेड़े में की जाएंगी शामिल। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। रोडवेज के बेड़े में 800 बसें शामिल होंगी, 400 बसें इस साल शामिल की जाएंगी और 400 बसें अगले साल शामिल की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। बड़ी जानकारी फिलहाल ये चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 800 नई बसें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी जानकारी दी है और बड़ी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस साल 400 नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी और अगले साल यानी कि 2022 में 400 नई बसें शामिल होंगी। रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई 18 वॉल्वो और अगले साल तक 20 नई वॉल्वो बसें होंगी शामिल। मुख्यमंत्री ने प्रपोजल पर लगाई है मोहर। बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हाई परचेज पावर कमेटी पर लगेगी अंतिम मोहर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही ये जानकारी दी है, 800 नई बसें जो रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी, जिसमें से 18 नई वॉल्वो बसें शामिल हो चुकी हैं। अगले साल तक 20 नई वॉल्वो बसें भी शामिल होंगी। 400 नई बसें अगले साल रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी और 400 बसें इस साल रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। तो ये बड़ी जानकारी और यात्रियों के लिए सुविधा भी होगी, क्योंकि वो यात्री जो घंटों तक इंतजार करते हैं, अब इंतजाम जो है लोगों का खत्म होगा।